6 सितंबर 1992 के दिन दो हाइकर्स अलास्का की बर्फ के अंदर ऊपर चढ़ते जा रहे थे। दो तीन पहाड़ क्रॉस करने के बाद वो नीचे उतरे और तभी उन्हें सामने एक बस खड़ी हुई दिखाई दी। वो बस पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबी हुई थी, बस थोड़ी सी हल्की सी ही दिख रही थी। और जैसे वो उस बस के पास गए, उनको बहुत गंदी स्मेल उसके अंदर से आने लगी। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कोई जानवर वगैरह इस बस के अंदर मरा हुआ हो। वो ये चेक करने के लिए बस के अंदर गए। स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी और जैसे ही उन्होंने अंदर जाकर देखा, अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई थी। और यकीन मानिए, उसे देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने तुरंत यहाँ पुलिस को फोन किया। पुलिस यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंची और जैसे ही पुलिस ने इस लाश को देखा, उनके भी कान खड़े हो गए ये सब देखकर कि आखिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। और हमें ये भी पता है कि ऐसी किसी जगह पर जहाँ कोई आसपास ना रहता हो, दूर दूर तक इंसानों का नाम और निशान ना हो, इस जगह पर लाश मिलती है तो वो अपने राज बहुत मुश्किल से उगलती है। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। और यार, कल पॉडकास्ट की वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो मैंने सोचा वहां नहीं तो यहां तो कम से कम आ ही जाए। ये केस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये और वीडियो से बिल्कुल अलग है। मैंने आज तक इस केस की तरह एक ही वीडियो बनाई है। बाकी आपने देखा ही होगा कि सभी मर्डर्स वगैरह की आती है और बहुत ज्यादा वो डिस्टर्बिंग भी होती है। डिस्टर्बिंग ये भी है और ये आपको अपसेट भी बहुत ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि इस केस को आप लोग अपने से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद जब इस केस के ऊपर रिसर्च की थी तो ये केस ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद इसमें जी रहा हूं। अब आप सोच कर देखिए, आप भी 9 से 5 वाली जॉब करते हैं या फिर कोई भी जॉब करते हो या फिर आपका खुद का काम धंधा ही क्यों ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ वेल सेटल्ड होंगे आप में से देखने वाले, पर यहाँ कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, चाहे आप उनमें से कोई भी हो। लेकिन एक ना एक टाइम पर अगर जब आप काम धंधा वगैरह करने लगते हैं, तब आपको ये फील होता है कुछ टाइम बाद, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ स्लैश कर रही हूँ। तो आपको अंदर से ही ये आवाज आने लगती है कि काश मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और चला जाऊं, कहीं दूर बस जाऊं, पहाड़ों में चला जाऊं और सब कुछ करूं वो जो मैं करना चाहता हूं। ना ही मैं अपने पास पैसों वैसों की कोई टेंशन लूं, ना ही मैं अपने परिवार की कोई टेंशन लूं, सब कुछ यहां छोड़कर अकेला बस जाऊं कहीं पर। ऐसा कुछ आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ सोचा था क्रिस्टोफर मैकेंडलस नाम के इस 24 साल के लड़के ने। जो आदमी अपने घर से परेशान होकर अपने घर से निकला और कभी वापस ही नहीं आया। दिन था 12 नवंबर 1968 का और जगह थी अमेरिका के कैलिफोर्निया का एंगलवुड शहर, जब क्रिस्टोफर नाम के इस लड़के का जन्म हुआ था। इसके पिता नासा में एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जबकि इसकी माता एक कंसल्टेंट थी। वो दूसरे बिजनेसेस को कंसल्टेंसी दिया करती थी। वैसे तो यहाँ क्रिस्टोफर के 7 अलग और भाई बहन थे, लेकिन यहाँ उसकी सगी बहन एक ही थी जिसका नाम करीन था। बाकी 6 जो और भाई बहन थे वो उसके सगे भाई बहन नहीं, बल्कि उसके पिता की पहली शादी से वो 6 पैदा हुए थे और दूसरी शादी से यहाँ करीन और क्रिस्टोफर आए थे। लेकिन यहाँ करीन बाद में सामने आई और दुनिया को बताया कि कैसे उसके माता पिता आपस में भी और बच्चों के साथ भी 24 घंटे लड़ते रहते हैं, घर में रहने का लिटरली 1% मन नहीं करता किसी का भी। 18 साल का होते होते यहाँ क्रिस्टोफर का स्कूल पूरा हो चुका था और अब यहाँ उसने 1 साल का ड्रॉप लिया और सोचा कि क्यों ना वो अब यहाँ दुनिया को थोड़ा देखेगा, घूमने जाएगा। और यही वो टाइम था जब उसकी फैमिली पूरी यहाँ कैलिफोर्निया से निकलकर वर्जीनिया शिफ्ट हो चुकी थी काम धंधे के लिए। तो यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो वापस एक बार कैलिफोर्निया जाए, थोड़े दिन वहां रुके, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले, स्कूल वगैरह जाकर आए। तो सभी ने कहा ओके, तुम जा सकते हो। तो वो वर्जीनिया से सीधा निकला और सीधा कैलिफोर्निया में लैंड हुआ। लैंड होने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों के पास गया और यहाँ उनके दोस्तों के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे पिता की एक और पत्नी भी है और वो भी अभी जिंदा है और उसके साथ कोई तलाक वगैरह भी नहीं हुआ है तुम्हारे पिता का। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर बहुत हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि उसके पिता का पहला तलाक हो चुका है और वो अब उनके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहीं आकर उसे फिर पता चला कि उसके पिता तो अभी भी अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जाया करते हैं। अब ये जवानी की उम्र में आ चुका लड़का अपने ही घर वालों के जाल में फंस चुका था। लिटरली इसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन किसका है कौन किसका नहीं है। वो पूरे परिवार में सिर्फ करीन को छोड़कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। और यहाँ बात सही भी थी क्योंकि वहां किसी को भी सच कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखाया जाता था। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ क्रिस्टोफर ने अगले साल कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और यहाँ उसने डबल ऑनर्स में डिग्री भी ले ली। जब उसकी डिग्री पूरी हुई तो यहाँ सभी को लग रहा था कि ये लड़का भी औरों की तरह बस अपना करियर अब स्टार्ट करेगा और काम धंधे में लग जाएगा, जॉब वगैरह करेगा। लेकिन क्रिस्टोफर का प्लान कुछ और ही था। टाइम आया मई 1990 का और अब यहाँ क्रिस्टोफर ने
अपने पास जितना भी पैसा था, मतलब कि घर वालों ने भी उसे कुछ दे रखे थे जेब खर्चे के लिए, और उसने भी बहुत थोड़ा सा कमा रखा था यहाँ पार्ट टाइम नौकरियां वगैरह करके, तो जितना भी पैसा था उसके पास वो सारा उसने इकट्ठा किया और यहाँ एक चैरिटी के अंदर दान दे दिया। सब कुछ वो अपना डोनेट कर चुका था, अब उसके पास एक रुपया भी नहीं बचा था। ये काम करने के बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लिटरली घर में किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं किया, अपना बैग पैक किया और अपने घर से निकल पड़ा। उसे खुद नहीं पता था कि वो अब कहाँ जाने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है। उसने कैसे अमेरिका का सफर क्रॉस किया, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि उसने ट्रकों में लिफ्ट मांगी, बहुत अच्छी बात थी, आम बात थी। उसने बाइक वालों से लिफ्ट मांगी, अच्छी बात थी, आम बात थी। लेकिन यहाँ लंबे सफर तक जाने के लिए वो किसी भी स्टेशन पर चला जाता और किसी भी माल गाड़ी के आने का इंतजार करता। लोकल पैसेंजर गाड़ियों में अगर बैठता तो उसके अंदर बैठने के लिए टिकट चाहिए थी, लेकिन यहाँ उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो किसी भी माल गाड़ी के आने का इंतजार करता। और माल गाड़ी आपको पता है कि बहुत लंबी होती है, कोई भी दो डब्बे जहां वो बीच में आपस में जुड़ते हैं, जिस हिंज से वो आपस में जुड़ते हैं, बस वो उस हिंज के ऊपर जाकर ही बैठ जाता और बस चलता रहता। ऐसे ऐसे करके उसने तकरीबन 2,500 किलोमीटर का सफर पार किया। पूरे 2 सालों का समय बीत गया। 2 सालों तक ये लड़का अलग अलग जगहों पर घूम रहा था, सबकी नजरों से दूर हो चुका था। इसने अपना नाम बदलकर अलेक्जेंडर रख लिया था। अपने लिए खाना जुटाने के लिए ये लड़का सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर निर्भर था, कोई उसे दे देता तो खा लेता, नहीं तो वो भूखा ही सो जाता। सड़कों पर वो सो रहा था, बेघर लोगों के साथ उसके अब अच्छे संबंध बन चुके थे। उसने हाँ इन 2 सालों के बीच में छोटे मोटे काम भी किए ताकि लोग उसे खाना दे दें, जैसे कि वो लोगों के खेतों में जाकर वो जो कंबाइन की मशीन होती है, आपको पता ही होगा, जिससे वो गेहूं वगैरह निकाले जाते हैं, उस मशीन को चलाने के लिए ड्राइवर का भी काम किया। इसके अलावा इसने वहां लोकल एक दुकानदार से ही लेदर के बूट्स वगैरह बनाने सीख लिए थे, और यहां उस दुकानदार के पास भी इस लड़के ने काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो रात होते होते इसे खाना दे दें। जिसके बाद इसने दुनिया के कुछ सबसे शानदार नेशनल पार्क्स के ऊपर चढ़ाई करी। कोलोराडो रिवर के अंदर कायाकिंग करते हुए ये आगे की तरफ भी बढ़ा। ये सब आगे लिखा हुआ है, मैं अपने हवा में नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ये आगे लिखा हुआ उसकी डायरी में, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। अगर देखा जाए तो ये लड़का अपने गोल्डन टाइम में जी रहा था, इसे स्टार्टिंग से ही जस्ट फ्रीडम चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी, और वो इसे अब मिली हुई थी। ये लड़का खुला घूम रहा था, कोई इसे टेंशन नहीं थी, कोई बॉस इसे फ़ोन करके गालियाँ नहीं देने वाला था, कर भी नहीं सकता था क्योंकि इसके पास फोन भी नहीं था। इसे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी, कोई दे देगा तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं। इसे रहने की भी कोई टेंशन नहीं थी, कहीं भी जाकर ये लड़का सो जाता था, और ये काम करने से घबरा भी नहीं रहा था। ये लड़का अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था, लेकिन अभी भी एक बात थी उसके अंदर जो उसे खाए जा रही थी, और वो बात थी कि बेशक वो अपने घर से निकल आया है, उसके ऊपर कोई अब कंट्रोल नहीं है किसी का, वो किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक सोसाइटी में ही रहता है और आसपास उसको लोग दिखते हैं और उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और वो अंदर से ये चाहता था कि वो जहाँ रहे वो बिल्कुल आज़ादी में रहे, कोई उसे कुछ ना बोल सके, कोई उसे कुछ कह ना सके, किसी का कोई रूल वहाँ लागू ना होता हो, ये जो चाहे वो वहाँ कर सके। अब ऐसी जगह उसे तलाशनी थी जहां वो ये सब काम कर सकता था, जिसके बाद उसने सोच लिया था कि वो ऐसी जगह पर अब जाएगा, और ऐसी जगह इस दुनिया में एक ही है, और वो है अलास्का। जी हाँ, एक ऐसा राज्य जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मिला दें और तब भी वो मिलकर उस एरिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जितना बड़ा अलास्का है, और उसके अंदर पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर ही, आप समझिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इलाका है अलास्का का, ये बहुत ज्यादा बेरहम है। 12 महीने ये अलास्का बर्फ से जमा हुआ रहता है, और इसी अलास्का में अब ये हमारा क्रिस्टोफर जाकर रहना चाहता था। दिन था 28 अप्रैल 1992 का, जब उसने एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी और वो गाड़ी वाला अलास्का के जस्ट कॉर्नर तक ही जा रहा था, और उस गाड़ी वाले ने क्रिस्टोफर को अपने साथ बैठा लिया और उसे अलास्का के कॉर्नर तक छोड़ दिया। लेकिन यहाँ वो गाड़ी वाला बीच में उसे पूछ रहा था कि तू अलास्का जाकर क्या करेगा, तो यहाँ उसने बताया था उसे बीच में कि वो जस्ट जाकर वहां पर हाइकिंग करेगा और वापिस आ जाएगा। लेकिन यहाँ उस गाड़ी वाले ने क्रिस्टोफर को समझा दिया था कि जहाँ तू जा रहा है समझ के जाइयो, अपना हिसाब लगा कर जाइयो, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है, हालात कभी भी वहाँ बिगड़ सकते हैं। क्रिस्टोफर ने कहा कोई इशू नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा इसे भी। लेकिन यहाँ वो गाड़ी वाला चिंतित हो चुका था क्रिस्टोफर के लिए, क्योंकि जब उसने क्रिस्टोफर का बैग देखा तो उसके अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं था
जो उसे बर्फ में चलने के लिए मदद कर सकता था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो जूते अलग से होते हैं जिनके नीचे कांटे वगैरह लगे होते हैं और वो हमें बर्फ में चलने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा वो जो डंडियां होती हैं जिसको पकड़ पकड़ कर हम बर्फ में चलते हैं, वो भी नहीं थी। और यहाँ तक कि उसके पास अच्छे गर्म कपड़े भी नहीं थे जो उसे अलास्का की बेरहम ठंड से बचा सकते थे। ये चीज़ देखते ही वो गाड़ी वाला फिर से क्रिस्टोफर को बोला कि तुमने पहले कभी कुछ किया है ऐसा काम? तो यहाँ क्रिस्टोफर ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ वो गाड़ी वाला बोला ओके, मैं तो ड्रॉप कर दूंगा, मुझे तो वहाँ जाना ही है। तो यहाँ उस गाड़ी वाले ने क्रिस्टोफर को अलास्का के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ड्रॉप कर दिया और जस्ट वो वहाँ से मुड़ गया। और यही वो अंतिम आदमी था जिसने कभी क्रिस्टोफर को जिंदा देखा था। अब यहाँ क्रिस्टोफर ने अलास्का की बेरहम बर्फ़ के अंदर चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। वो लगातार चलता जा रहा था, बीच में उसके दो नदियाँ भी यहाँ आई और वो दो नदियाँ उसने आसानी से पार कर ली क्योंकि घुटनों तक वहाँ पानी मौजूद था। लेकिन उसके कपड़े गीले हो चुके थे पर फिर भी वो किसी तरह चलता जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। 4 दिन बीत गए, 4 दिनों के बीच में उसने बर्फ़ को पिघला कर ही पानी वानी पिया। दूसरी बात, खाने के लिए उसने रास्ते में ही चेरियां वगैरह तोड़ता हुआ वो जा रहा था, बेरीज वगैरह वो खा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, 4 दिन बीत गए। उसका प्लान था कि वो अलास्का के एंड कॉर्नर तक जाएगा और जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है वहाँ पर अपना कोई घर वगैरह बसाएगा और वहीं पर आराम से रहेगा। लेकिन 4 दिन के सफ़र में ही उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अलास्का दिखने में जितना सुंदर है उतना ही बेरहम भी है, वो इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। खैर, 4th दिन उसे यहाँ चलते चलते एक बस दिखाई दी जो कि वहाँ लावारिस खड़ी हुई थी। उसके वहाँ टायर भी मौजूद नहीं थे, इंजन वगैरह तो दूर की बात थी, जस्ट उसका जो ढांचा होता है वो खोखा सा वहाँ पर पड़ा हुआ था। और उस खोखे को देखते ही यहाँ क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसे इस खोखे के अंदर अपना घर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने उस खोखे को देखा वो तुरंत जाकर उस खोखे में घुस गया और घुसते ही वहाँ अपना तामझाम सारा फेंका और वहीं अब उसने अपना घर बसा लिया। उसने सोच लिया था कि मुझे बस अकेला ही तो रहना है जहाँ पर मेरा कोई रूल वगैरह ना हो, किसी की मेरे ऊपर कोई पाबंदी ना हो, कोई मुझे कुछ कह ना सके। और ये जगह भी तो बिल्कुल वैसी है, चारों तरफ उसने देखा और वहाँ दूसरे आदमी का कोई नामो निशान नहीं था, जस्ट उसने अब उस बस को ही अपना घर बना लिया था। लेकिन ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि अलास्का जैसी जगह में ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कभी भी यहाँ मौसम बदल जाता है, कभी भी यहाँ हालात पलट जाते हैं। अब उसे अपना घर तो मिल गया था, खाने की अभी भी दिक्कत थी, तो खाने के लिए वो पास ही मौजूद पेड़ों से बेरीज वगैरह तोड़कर लेकर आता। इसके अलावा छोटी छोटी गिलहरियों का शिकार कर रहा था, खरगोशों का शिकार कर रहा था और यहाँ उसका काम ठीक ठाक चल भी रहा था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बेरीज को छोड़कर वो जिनका भी शिकार करता था, जिन भी जानवरों का, उनका मांस जल्दी ही खराब हो जाता था। तो वो जितना शिकार करता उसे तुरंत खाना पड़ता था, अगले टाइम वो उसे नहीं खा सकता था। स्टार्टिंग के दिन उसे बहुत अच्छे लग रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। वो अपने साथ काफ़ी सारी बुक्स लेकर आया था और उन बुक्स को ही वो 24 घंटे पढ़ता रहता था। यहाँ पर खाने के लिए वो शाम को बाहर निकलता, बेरीज वगैरह तोड़ता, कई पौधों की जड़ें वगैरह निकालता, कुछ छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर लेता और आगे आकर बैठ जाता वापस और रात को उसी बस के अंदर सो जाता। लेकिन यहीं से ही अब पूरी कहानी पलट जाती है। जो खाना वो खा रहा था वो उसे बजाय न्यूट्रिशन वगैरह देने के, वो खाना उसे कमज़ोर करता जा रहा था। अंदर से उसका वजन जो था वो गिरता जा रहा था अब, और उसका शरीर धीरे धीरे पतला होता जा रहा था। खैर, जब पुलिस को ये लड़का मिला था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हेलीकॉप्टर से पुलिस पहुंची थी, तो पुलिस को यहाँ इस बस में एक कैमरा जिसके अंदर रील डली हुई थी और उसके अंदर से फोटोज को बाद में डेवलप करवाया गया, और इसके अलावा डायरी मिली थी पुलिस को, और इसी डायरी के अंदर इस क्रिस्टोफर ने एक एक दिन की अपनी पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि इसने उस दिन क्या किया है। चेकलिस्ट उसने बनाई हुई थी कि आज ये करना है और आज ये हो चुका है। इसके अलावा वो फोटोज़ वगैरह वहाँ मिली और पुलिस ने बाद में उनको डेवलप करवाया, और उसमें आप देख लीजिए ये लड़का अब कैसा हो चुका था। अब यहाँ कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि ये फोटोज़ कौन क्लिक कर रहा था, थोड़ी सी बस कॉमन सेंस लगाइए। आगे वो कोई भी स्टैंड बना सकता था लकड़ियों का या फिर किसी भी चीज़ का, बर्फ़ के ऊपर भी कैमरा रखकर टाइमर सेट करके फोटोज़ क्लिक कर सकता था, और बिल्कुल ऐसे ही उसने फोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे टाइम बीतते हुए उसका जो मन था वो अब यहाँ नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था वापस इंसानों को देखने का, इंसानों के बीच रहने का। तो दिन आया 67th, यानी कि 67वां दिन, और अब यहाँ वो दिन था जब उसने अपना सारा सामान फिर से पैक किया और अब वो सोचने लगा था कि वो इस बस को छोड़ देगा और वापस वो जहाँ से आया है वहीं वापस निकल जाएगा। उसने सारा सामान पैक किया, वापस बर्फ में चलते 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 आगे जा रहा था। ये डिसीज़न उसका सही भी था, लेकिन जैसे ही
वो पहली नदी के पास पहुंचा जो कि वो तकरीबन 2 महीने पहले क्रॉस करके वहीं से आया था। लेकिन अब की बार वो नदी ऊपर से आने वाले पिघले हुए पानी से पूरी तरह लबालब भर चुकी थी और उसके पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो उसके अंदर तैर भी नहीं सकता था। दूसरी बात, उसे तैरना आता भी नहीं था। ये चीज़ देखकर क्रिस्टोफर बहुत परेशान हुआ क्योंकि वो 2 दिनों तक चल चल कर तो इस नदी के पास पहुंचा था और अब यहाँ वो इस नदी को क्रॉस भी नहीं कर सकता। ये चीज़ देखकर उसका मन बैठ गया। उसने फिर भी कोशिश करी, कुछ रस्सियाँ वगैरह उसने वहाँ पड़ी हुई बेल से बनाई, लेकिन वो रस्सियाँ कामयाब नहीं रही क्योंकि दूसरी तरफ उन रस्सियों को पकड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी पर वो कोशिशें नाकाम रही और वो वापस किनारे पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था और ठंड रात को होते होते फिर से बढ़ती जा रही थी, तो उसने सोचा कि यहाँ से वापस जाना ही बेटर रहेगा और वो फिर से 2 दिन चल कर वापिस अपने उस बस में आकर घुस गया। अब आप यहाँ सोच कर देखिए, जब तक वो उस बस में रह रहा था तब तक उसे लग रहा था कि जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वो आराम से रह सकता है और वापिस बाद में अपने घर चला जाएगा। सिंपल, 4 दिन का रास्ता ही तो है। लेकिन अब यहाँ उसके मन में टेंशन बढ़ने लगी थी क्योंकि वो बिल्कुल फंस चुका था। उसे घर जाने के लिए ये दोनों नदियाँ पार करनी थी और वो पहली ही नहीं कर पा रहा था। अब वो टेंशन लेकर वापस उस बस के अंदर आया और अब उसका दिन भी खत्म हो चुका था और वो सो चुका था। अब उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ रही थी और वो अब लोगों से मदद मांगने के लिए आसपास भी घूमने लगा कि कोई तो उसे शायद दिख जाएगा। और जब वो आसपास घूमता तब वो अपनी बस से निकलने से पहले उस बस के ऊपर एक कागज का टुकड़ा चिपका कर जाया करता था और उस कागज के टुकड़े में लिखा होता था, हेलो पॉसिबल विजिटर्स, मतलब कि संभवतः यहाँ पर कोई आने वाला विजिटर, प्लीज मेरी मदद करें, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ, मैं हाइक आउट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बचा लें, मुझे वापस सिविलाइजेशन में लेकर चले, ऐसा ऐसा कुछ वो लिख कर वहां जाया करता था। पर कोई फायदा नहीं हुआ। पहले यहाँ किसी ने ये वर्ड्स नहीं देखे लेकिन जब देखे तब बहुत बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जब ये नोट किसी ने पढ़ा था तब तक मरे हुए क्रिस्टोफर को 3 हफ्तों का समय बीत चुका था। 94 यानी कि 94th डे आ गया। उस दिन की एंट्री भी यहाँ डायरी के अंदर की गई थी। उसमें उसने लिखा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसका शरीर जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है और वो लगता है अब आजकल में ही मर जाएगा। ये एंट्री उसने लिखी हुई है अपनी डायरी के अंदर। 100वां दिन आ गया, 100वां यानी कि 100th डे आ गया और इस दिन की भी एंट्री उसने अपनी डायरी में की हुई है। उसमें उसने लिखा हुआ है कि वो 100वें दिन तक भी पहुंच गया है लेकिन उसे मौत अपने सामने दिखाई दे रही है। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा, हिल तक नहीं पा रहा। वैसे तो यहाँ आज तक ये चीज़ कोई नहीं समझ पाया है कि अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में क्रिस्टोफर को कैसा महसूस हो रहा था और वो किस हालातों से गुजर रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ उसे पक्का पता थी और वो था कि वो जल्दी ही अब मरने वाला है। बेशक वो कितना भी बीमार हो, बेशक वो कितना भी कमज़ोर हो, बेशक उसे कितनी भी भूख लगी हो, बेशक वो बीमारियों का घर बन चुका हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ से खड़ा हुआ और 104वें दिन यानी कि 104th डे वो वहाँ से उस बस से बाहर निकला, अपना कैमरा एक बार फिर से सेटअप किया, अपने फेस के ऊपर स्माइल लेकर आया, उसने एक डायरी के नोट पर कुछ लिखा और यहाँ एक फ़ोटो क्लिक करवाई। और ये जरा फोटो देखिए, क्या इसे देखकर आपको रोना नहीं आ रहा? क्या इसे देखकर आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा हो? ये जो नोट इसने हाथ में अपने पकड़ा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ था, थैंक्स टू गॉड आई हैड ए हैप्पी लाइफ। दिखने में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बट इनका जो सिर्फ तोड़ है वो मैंने आपको बताया है कि बस यहाँ वो भगवान को धन्यवाद दे रहा था और कुछ नहीं, कि उसे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। 107वां दिन आ चुका था अब यहाँ पर और 107वें दिन भी यहाँ उस डायरी के अंदर एंट्री की गई और उस एंट्री में लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल ब्लू बेरीज। और इन 3 शब्दों का मतलब अब आपको आगे समझ आएगा कि यहाँ इन ब्यूटीफुल ब्लू बेरीज का असल मतलब क्या था। इसके बाद भी 6 दिनों तक हर दिन के ऊपर टिक 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 आता रहा, बस वो कुछ लिखने की हिम्मत में नहीं था। लेकिन 112वें दिन का भी टिक आया पर 113वें दिन का टिक नहीं आया। इसीलिए प्रोबेबली हम ये मान चुके हैं कि 113वें दिन की सुबह ही उठने से पहले क्रिस्टोफर इस दुनिया से जा चुका था। खैर, अब वही 14 दिन बाद 2 लोग जो थे वहाँ हाइकिंग करते हुए आए और उन्होंने वो बस देखी, अंदर जाकर देखा और वो लाश मिली, पुलिस को बुलाया गया, हेलीकॉप्टर में पुलिस आई, पुलिस ने उस लाश को उठाया और अब ऑटोप्सी करवाई। और यहाँ ऑटोप्सी में सामने आया कि जब क्रिस्टोफर नाम के इस लड़के की मौत हुई थी तब उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 27
किलो का रह चुका था। सोच कर देखिए 27 किलो का वजन एक 24 साल के लड़के का। और यहाँ उसका मरने का कारण बताया गया भूखमरी। जी हाँ, वो भूख से मरा था, ऐसा कुछ यहाँ ऑटोप्सी में लिखा हुआ था। लेकिन ये ऑटोप्सी ही आने वाले टाइम में अब लड़ाई का कारण बन गई। जी हाँ, कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि उसके पास खाने लायक कुछ था नहीं तो वो मर गया, जबकि दूसरा पाला ये बोल रहा था कि उसके पास खाने की बहुत सारी चीजें थी। लोग अलास्का में रहते हैं और आराम से रहते हैं और यही चीजें तोड़ तोड़ कर वो खाते भी हैं, जानवरों को भी काट काट कर खाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसे खाने की पहचान नहीं थी। यहाँ वो जो बेरीज खा रहा था, उन्हीं बेरीज में कुछ ऐसी बेरीज भी थी जो कि जहरीली होती हैं और हमारे शरीर के अंदर जाकर वो धीरे धीरे हमारे शरीर को ही खाने लगती हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर रेड पोटैटो यानी कि लाल आलू की जड़ें खा रहा था, जो कि ऑब्वियसली खा सकते हैं, वो कोई जहरीली नहीं है। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर सही हालात बन जाएं तो यही चीज़ जहरीली भी हो सकती है, और ये चीज़ क्रिस्टोफर ने 94th डे को खाई थी। बहुत से लोग यहाँ क्रिस्टोफर को गालियाँ भी देते हैं और बहुत से लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। गालियाँ देने वालों में वो हैं जो उसे कहते हैं कि ये पागल था, इडियट था, क्यों वो इंसानी सभ्यता से दूर गया जबकि उसे वहाँ की कोई जानकारी ही नहीं थी, उसके पास प्रॉपर साधन नहीं थे तो उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जबकि कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था और अपने तरीके से जीना चाहता था, और अपना तरीका ढूंढते ढूंढते ही ये वहाँ तक गया। अब आप बताइए, आप कौन से हैं उनमें से? क्या आप यहाँ क्रिस्टोफर को इडियट कहेंगे? क्या आप क्रिस्टोफर को यहाँ एक आइडियल लड़का कहेंगे जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था बस? अब यहाँ मैं आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज़ आपको इस वीडियो में बतानी भूल गया। जी हाँ, जब वो 2 महीनों बाद वापस अपने घर जाने के लिए उस बस को छोड़कर उस नदी तक पहुंचा था, और जिस पॉइंट से वो उस नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उस पॉइंट पर नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी, आसपास भी बहुत ज़्यादा गहरी दिखाई दे रही थी। ये चीज़ उसे पता थी कि ये नदी बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन जो बात उसे नहीं पता थी वो ये कि अगर वो उस नदी के सहारे 800 मीटर नीचे चलता तो उसे एक केबल कार दिखाई देती जो उस नदी के ऊपर से जा रही थी। जी हाँ, उस नदी के ऊपर एक केबल कार सेटअप की गई थी और उसको ही यहाँ लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, और उस केबल कार के आसपास बहुत सारे लोग भी रहते थे। सोच कर देखिए वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के कितना पास था, लेकिन उसे सिर्फ पता नहीं था कि यहाँ ऐसे ऐसे कुछ भी लोग रहते हैं या फिर इस नदी को पार करने के लिए कोई केबल कार भी बनाई गई है। आप में से ज़्यादातर लोग काम धंधे वाले होंगे, जॉब वाले होंगे। मैं खुद से ही क्यों ना सोच कर चलूँ, तो मैं खुद भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरा इस ज़िंदगी से मन भर गया है और क्यों ना इसको छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएँ। और ऑब्वियसली कभी ना कभी ये चीज़ आपके माइंड में भी आई होगी, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हों या फिर कई बार आपका मन ना लग रहा हो, अकेला फील कर रहे हों, तो आप ये चीज़ सोचते हैं। लेकिन एंड में अगर हमें क्या दिखता है, घर परिवार की जिम्मेदारी, यार दोस्तों की यारी और हमारा आने वाला करियर फ्यूचर, ये चीज़ देखकर हम रुक जाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्रिस्टोफर अलग था, उसने हिम्मत दिखाई और सब कुछ करने का सोचा। सोच कर देखिए वो 2.5 साल उसके कैसे बीते होंगे। खैर, ये कहानी थी क्रिस्टोफर मैकेंडलस की, और इस कहानी से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपको पूछने हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई 2-4 फोटोज़ हैं जो आज रात को मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निश्चय को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।